मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूला घर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा, हम शहीदों के सपने के अनुसार उत्तराखंड का विकास करने के लिए तत्पर हैं। इससे पहले शहीद स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवार को सम्मानित किया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, केंद्र सरकार भी विकास में पूरा सहयोग कर रही है। उनके सपनों के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनका नमन नहीं, पूरी तरह से हम जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कारणों से हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, उस ओर बड़ी तेजी से बढ़े हुए हैं। आज आप देख लीजिएगा, 1,00,000 करोड़ रुपए के काम अभी तक केंद्र सरकार ने ही दे दिए हैं और इतने ही काम अभी पाइपलाइन में हैं। और हमारा राज्य इस समय विकास कार्यों में देश के जो पहले और दो और तीन जो प्रदेश आए हैं उसमें दूसरे नंबर पर है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।